हाय फ्रेंड्स, यूनिक पंजाबी फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करेले की सब्ज़ी बनाना, भरमा करेले की सब्ज़ी। यहाँ पे हमने आधा किलो करेले लिए, जिसको अच्छे से हमने धो के छील लिया है। छीलने के बाद इसको फिर से हमने एक बार धोया करेले को। धोने के बाद इसको हमने बीच में से ऐसे कट लगाया है, देख सकते हैं आप। देखिए, कट लगाने के बाद हमने सारे करेलों पे एक चम्मच नमक लगाया। सब करेलों पे नमक लगाने के बाद हमने इसे 3-4 घंटे के लिए धूप में रख दिया। धूप में सूखने के बाद अब ऐसे हो गए हैं करेले। धूप में सुखाने के लिए फ्रेंड्स हमें 3-4 घंटे लगेंगे। आप चाहे तो 2 घंटे भी सुखा सकते हैं। सूखने के बाद करेले धूप में बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। और करेले भरने के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़े प्याज लिए हैं, और जिनको काट लिया, थोड़ा मोटा ही हमने काटा है क्योंकि इसे मिक्सी में पीसेंगे हम। और 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, और तलने के लिए 1 कटोरी तेल लिया हमने। और हम मिक्सी में डाल के प्याज और मसाले सब एक साथ ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से पिस चुका है। हमने सिर्फ यहाँ मसाले में प्याज ही यूज़ किए हैं, प्याज, हल्दी, मिर्च और नमक। बाकी इसके अलावा अदरक लहसुन आप इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो करेले में बिल्कुल भी आपका टेस्ट नहीं आएगा। हम इसको स्टफिंग को हम करेलों में भरते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से हम सारा मसाला करेलों में भरेंगे। देखिए करेले भरने के बाद हम इसको अच्छे से ऐसे 3-4 रोल धागे के लपेटेंगे, ताकि तलते हुए हमारे करेले में से मसाला बाहर ना आए। इस तरीके से अच्छे से भर लेंगे। और ये धागे को इस तरीके से लपेट देंगे 3-4 रोल, बाकी जो एक्स्ट्रा मसाला होगा हम इसे निकाल देंगे। इस तरीके से हम सारे करेले भर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, गैस हमने ऑन करके यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें तेल डालेंगे। तेल हमारा यहाँ गर्म होने में 5 मिनट लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, करेले हमारे सारे इस तरीके के भर चुके हैं, और हमने सब पे धागा लपेट दिया है। और थोड़ा सा हमारा ये मसाला बच गया है, इसको भी हम कैसे यूज करना वो बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इसमें करेले डालेंगे। बहुत ही सावधानी से अच्छे से करेले डालना, कहीं तेल हाथ के ना लग जाए। देखिए इस तरह से एक एक करेला रखेंगे आप। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से सारे करेले तेल में रख दिए हैं तलने के लिए। और इस वक्त हम गैस थोड़ा तेज़ ही रखेंगे, जैसे हम 5 से 6 मिनट तक तेज़ गैस पे पकाएंगे। देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि करेले हमारे एक साइड से फ्राई हो चुके हैं या नहीं। अगर नहीं हुए, हम 1 से 2 मिनट और इसे फ्राई होने देंगे। अभी थोड़ा 1-2 मिनट और लगेगा। जो करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, उसे हम धीरे धीरे पलटते जाएंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे सारे करेले पलट लेंगे और फिर गैस को मीडियम कर देंगे।
देखिए अच्छे से हमारे करेले सुनहरे पक रहे हैं। अभी हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे करेलों को, जब तक हमारे दूसरी साइड बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इन्हें तलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच में हम इनको चलाते रहेंगे करेलों को, जो साइड हमारी पक गई है उसे हम पलट देंगे। इस तरह से चार पाँच मिनट के बाद जब हमारी साइड एक पक जाए तो हम इसे चेंज करते रहेंगे। इस तरह से गैस मीडियम रखेंगे। जी फ्रेंड्स, ये जो थोड़ा हमारा मसाला बच गया था अब इसमें हम ऐड कर देंगे। अगर हम पहले ऐड करेंगे इसमें, जब हमने करेले इसमें डाले थे, तो मसाला सब तली में चिपक जाएगा और करेले आपके अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। जब आधे करेले फ्राई हो जाएं तो ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। अगर बच जाए तभी डालना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि तेल में ये जो मसाला है हमारा ये भी फ्राई हो जाए अच्छे से, और अच्छे से करेले हम सारे फिर दोबारा से पलट देंगे। जो साइड हमारी पक चुकी है उसे चेंज कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, करेले हमारे लगभग बन चुके हैं, बस 2 से 3 मिनट और हम इसे पकाएंगे। नमक लगा के फ्रेंड्स करेलों को इसलिए धूप में रखा जाता है ताकि उनका कड़वापन जो है वो सारा निकल जाए। तो फिर जब हम करेले बनाएंगे तो हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और घर में सभी बच्चे क्या बड़े क्या सभी बहुत बड़े ही शौक से खाएंगे। लास्ट में फ्रेंड्स हम कुल 30-40 सेकेंड के लिए करेलों को ढक देंगे ताकि जो ऑयल है हमारा सारा एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से करेलों में। अब लास्ट में हम करेलों को अच्छे तरीके से पलट पलट देंगे ताकि जो मसाला है हमारा अच्छे से करेलों में लग जाए। देखिए अब हम आपको सर्व करके बताते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, देखिए फ्रेंड्स, भरवा करेले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल पंजाबी तरीके से। फ्रेंड्स, जब आप करेले को सर्व करें तो जो धागा हमने इस पे लपेट रखा था वो आप इसे खोल दें फिर ही सर्व करें। और फ्रेंड्स, आप इसे चाहे 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख दें तब भी आपकी ये सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कॉमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारी करेले की रेसिपी कैसी लगी। बाय।